बड़ी खबर जयपुर से, जहां जयपुर कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। राहगीरों से लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को भी साथ ही गिरफ्तार कर लिया है। मकराना के रहने वाले हैं सभी आरोपी। 1 दर्जन से ज्यादा लूट की वारदातों का इसमें खुलासा हो पाया है। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। मकराना के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये 3 आरोपी। लगातार पूछताछ में जुटी है पुलिस। 1 दर्जन से ज्यादा लूट की वारदातों का इस पूरी वारदात में खुलासा भी हो पाया है। जयपुर से बड़ी खबर, जहां जयपुर कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राहगीरों से लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। लगातार लूट की खबरें बढ़ती ही जा रही थी और ऐसे में अब क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। मकराना के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी आरोपी। 1 दर्जन से ज्यादा लूट की वारदातों का इसमें खुलासा हो पाया है। जयपुर कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी यादवेंद्र, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला और क्या कुछ खुलासा अभी तक हो पाया है? देखिए लवीना, मैं ताजा अपडेट आपको बता दूं कि चूंकि क्राइम ब्रांच टीम की जो पूरी कार्रवाई है, यहाँ पर शिप्रा थाना पुलिस ने और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर के यहाँ पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 3 जो आरोपी है यहाँ पर, उन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से जो एक आरोपी है अकबर अली, जो की हार्डकोर अपराधी है, मकराना का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, जो की इसके खिलाफ हत्या, लूट और हत्या के प्रयास के और मारपीट के दर्जनों मामले दर्ज है। यहाँ पर कई थानों में इसके खिलाफ ये सभी मामले दर्ज है। फिलहाल जो पुलिस है जो इन सभी आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जो पूछताछ इसमें सामने आया है कि ये सभी जो लोग हैं यहाँ पर लूट के इरादे से जयपुर के अंदर रह रहे थे और जयपुर के अलग अलग थाना इलाकों के अंदर इन्होंने करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो राहगीरों से लूट और छीना झपटी की जो वारदात है उनको यहाँ पर अंजाम दिया है सभी आरोपियों ने। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चूंकि 1 साल पहले यहाँ पर जो शिप्रापत थाना इलाका पड़ता है सेंट विल्फिल्ड कॉलेज के पास, यहाँ पर 3 लाख रुपए की जो लूट की जो वारदात हुई थी उसको लेकर के यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो लगातार धरपकड़ में जुटी हुई थी। तब यहाँ पर उनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि 3 आरोपियों के, जिसके आधार पर यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम ने यहाँ पर 3 आरोपियों को यहाँ पर दबोच लिया। जब उनसे पूछताछ हुई है तो उसमें सामने आया है कि इन सभी आरोपियों ने यहाँ पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा जयपुर शहर के जो करधनी करनी विहार जो इलाका पड़ता है वहां पर भी इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। क्योंकि ये रात के समय ये तीनों जो है ये निकलते हैं और राह चलते लोगों से यहाँ पर उनके रोक करके उनके साथ छीना झपटी करते हैं, उनसे सोने चांदी के जेवरात है, इसके अलावा जो नकदी है वो लूट करके फरार हो जाते हैं। तीनों जो आरोपी यहाँ पर मकराना के रहने वाले हैं, मकराना में भी इनके खिलाफ कई थानों में यहाँ पर हत्या लूट के मामले दर्ज है। फिलहाल यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम है जो यहाँ पर पूरे मामले का खुलासा करेगी। 2 बजे जयपुर कमिश्नरेट में यहाँ पर जो पूरे मामले का यहाँ पर खुलासा किया जाएगा। लवीना जी यादवेंद्र, ये बताएं कि इन आरोपियों से क्या कुछ लूट का सामान भी बरामद किया गया है? देखिए फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस है जयपुर कमिश्नरेट के अंदर जो क्राइम ब्रांच की जो टीम है, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर है प्रसन्न कुमार मिश्रा जी, वो इस मामले में प्रेस वार्ता करेंगे और उसमें ये सारी चीज बताई जाएगी कि इनसे क्या क्या चीज बरामद हुई है। लेकिन फिलहाल जो प्रारंभिक जो पूछताछ हुई में सामने आया है कि इन्होंने जो शिप्रापत थाना इलाके के अंदर जो लूट की वारदात हुई थी वो इन्होंने कबूली है। इसके अलावा जो अलग अलग थाना इलाकों में लूट की वारदातें हुई है उसमें भी इनका कहीं ना कहीं हाथ है। तो तमाम चीजें हैं, फिलहाल इन तमाम चीजों पे और इन तमाम पहलुओं को लेकर के यहाँ पर पुलिस है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर 2 बजे खुलासा करेगी। उसके बाद पता चल पाएगा कि यहाँ पर इनसे किस तरह की जो चीजें बरामद हुई है, लूट में किसी चीजों का ये लोग है जो सामान का इस्तेमाल करते थे, लूट की वारदात में किन किन हथियारों का ये इस्तेमाल करते, ये तमाम चीजों को लेकर के तमाम पहलुओं को लेकर के यहाँ पर पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। उसके बाद यहाँ पर 2 बजे इनसे खुलासा करेगी। चलिए आदविंदर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।